So hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. मनु ठाकुर दिस साइड. सो आज का वीडियो हमारा बायोलॉजी के ऊपर रहेगा. इसमें हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम. जो भी स्टूडेंट्स अपना पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहता है उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे. वन थिंग मोर, यहाँ पे मैं ये चीज़ पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ, अपना सिलेबस आपने जरूर से कवर करना है सो दैट आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए. देखिए जितनी वीडियोज़ हम डाल रहे हैं उनसे आपको इतनी हेल्प नहीं मिलेगी कि आपका सिलेबस वहाँ पर कवर हो जाए, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है. अभी वीडियो से आपको आइडिया लग सकता है बट आपने अपना सिलेबस जरूर से कवर करना है. अगर इन वीडियो में से अगर आपको एक दो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है. वीडियो आप रिवाइज करो बट सिलेबस आपने जरूर से कंप्लीट करना है. ठीक है, सो आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे. एंड सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है बाय मिस्टेक मैंने कोई ऑप्शन आपको गलत बता दिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्वेश्चन नंबर ये है मैम, इसका आंसर ये होगा, तो मैं इसको एक बार चेकआउट कर लूँगी. बाकी आप लोगों को पता ही है ये जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं पीजीआई चंडीगढ़ का बीएससी नर्सिंग का, ये आपका सेंटर लेवल का एग्ज़ाम है. थोड़ा सा जो एग्ज़ाम लेवल होगा मॉडरेट लेवल होगा, जैसे स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उस तरह का नहीं होगा, तो उस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करनी है. ओके, देखिए हर किसी बच्चे का ड्रीम होता है कि हम पीजीआई से अपना बीएससी नर्सिंग करें, पीजीआई के अंदर हम अपना जॉब करें. हर किसी का ड्रीम होता है, हर कोई यहाँ से करना चाहता है. तो देखिए एग्ज़ाम भी उतना ही कम्पिटिटिव होगा. उस तरीके से आप लोगों ने अपनी स्टडी करनी है, तैयारी करनी है. और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम भरा होगा, तो ये नहीं सोचना है कि सीट्स कम हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम भरा है हमारा सिलेक्शन नहीं होगा. आपने सिर्फ एक सीट के बारे में सोचना है कि हमने ये सीट है ये मेरी है और उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और विद बेल नोटिफिकेशन ऑन सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. बाकी आपका कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज प्रोसेसेस डज नॉट गिव ऑफ CO2. तो नीचे कुछ प्रोसेसेस दी गए हैं, हमारे पास ऑप्शन दी गए हैं, ध्यान से इनको रीड करो. इसमें हमने बताना है विच वन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज प्रोसेसेस, नीचे जो प्रोसेस दिए गए हैं उनमें से हमारा कौन सा प्रोसेस है जो करेक्ट है, जो हमें CO2 नहीं देता है. ठीक है, क्वेश्चन है प्रोसेसेस डज नॉट गिव ऑफ CO2. ठीक है, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करो और गैस करो विच वन इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज लैक्टेट फर्मेंटेशन. वो प्रोसेस है लैक्टेट फर्मेंटेशन, मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्लियर है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एंटीबायोटिक्स आर द मोस्ट इफेक्टिव ऑन. जब हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर होता है. ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, नन ऑफ द अबव. सो गैस करो विच वन इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज बैक्टीरिया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, ऑप्शंस को रीड करना है, उसके बाद गैस करना है विच वन इज द राइट आंसर. ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी ऑप्शन आपने टिक कर देना है. क्लियर है, नेक्स्ट वन इज कॉस्मिक रेज सच एज गैमा रेज आर अ सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन. सो गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज थर्मल पॉल्यूशन, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेजरिंग बीओडी. बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. हो सकता है आपको वहां पे फुल फॉर्म ना दियो, सीधा लिखा हो. मेजरिंग बीओडी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, बीओडी मींस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. मेजरिंग बीओडी इज प्राइमरली यूज फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है. नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से इनको रीड करो और गैस करो विच वन इज द राइट आंसर. सो the correct answer is option C, that is estimating the quantity of organic matter in sewage water. ठीक है, तो इस तरीके से आपने हर एक जो ऑप्शन दिए गए उसको ध्यान से रीड करना है, उसके बाद ही अपना जो करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइम इज जनरली एडेड टू फिल इन द ब्लैंक सॉइल. तो क्या आएगा यहाँ पे, लाइम इज जनरली एडेड टू सॉल्टी, ड्राई, एल्केलाइन, एसिडिक. सो गैस करो विच वन इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज लाइम इज जनरली एडेड टू एसिडिक, सो आई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके,
Come to the next question. Fill in the blank. Has the maximum genetic diversity in India? Potato, tea, mango, teak. So guess karo which one is the right answer. So the right answer is mango has the maximum genetic diversity in India. Theek hai? So the correct answer is mango. That is option C. Come to the next question. Global warming can significantly be controlled by. Niche option diye gaye hain. Dhyan se read karo aur guess karo which one is the right answer. So yahan pe hamara jo correct answer hai wo hai option D. That is reducing fossil fuel consumption. Option D is the correct answer. Next one is fill in the blanks. Is the basic unit of classification and taxonomic rank. So yahan pe option diye gaye hain species, genus, class, order. So guess karo which one is the right answer. So the right answer is species, means option A is the correct answer. Species is the basic unit of classification and a taxonomic rank. So right answer is option A, that is species. Next one is a group of populations of two or more species occupying the same geographical area at the same time is called. To use kya bola jayega. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके लिए आपको हर चीज की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है, है ना. जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कम्युनिटी क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू और मोर स्पीसीज ऑक्युपाइंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया एट द सेम टाइम इज कॉल्ड. तो ये किसकी डेफिनेशन है, ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिएगा. सो द राइट आंसर इज कम्युनिटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट वन इज बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड. नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से रीड कीजिएगा और बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर. बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड. सो द राइट आंसर इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज किसने डिस्कवर करी है. तो यहाँ पे पूछा गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन दिए गए हैं. सो द राइट आंसर इज स्मिथ एंड नाथन, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विद. नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, गैस करो विच वन इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज एंडो न्यूक्लियस, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द गोल्डन राइस वेराइटी इज रिच इन. सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं. जो हमारा गोल्डन राइस वेराइटी है सबसे ज्यादा उसमें क्या चीज होती है, ऑप्शन को ध्यान से रीड करो और गैस करो विच वन इज द राइट आंसर. So the right answer is B, carotene and ferritin. Option B is the correct answer. The golden rice variety is rich in B, carotene and ferritin. Right? So come to the next question. The expression of a transgene in the target tissue is identified by a. Niche option diye gaye hain. Transgene, promoter, enhancer, reporter. So guess karo which one is the right answer. So the right answer is option D, that is reporter. The expression of a transgene in the target tissue is identified by a reporter. Option D is the correct answer. Next one is fill in the blanks is not a method of vegetative propagation. तो ये आपने biology में पढ़ा होगा, आपको पता होगा इसका answer क्या होगा. तो नीचे option दिए गए हैं, guess कीजिए which one is the right answer. So the right answer is lytic cycle. Lytic cycle is not a method of vegetative propagation. Option C is the correct answer. Okay. Next question है हमारे पास. Fill in the blank shows totipotency. तो ये question भी important है. सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज मेरिस्टेम, मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड. उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, अडॉप्शन, डिफ्यूजन. सो गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज पॉलिनेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन. क्लियर इट.
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस. ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है. द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज. उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है. द फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद द मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज नोन एज बडिंग, एपोमिक्सिस, स्पोरुलेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सो गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज एपोमिक्सिस. मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन और आपकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस हो, तो उस तरह से आप देख लेना. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इंडिविजुअल्स कलेक्शन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है. ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. सो एन इंडिविजुअल्स कलेक्शन ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जीनोटाइप. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कलर ब्लाइंडनेस इज एन लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. तो क्या यहाँ पे इसका आंसर आएगा. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं जेड क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम, नन ऑफ द अबव. सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज एक्स क्रोमोजोम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कलर ब्लाइंडनेस इज एन एक्स क्रोमोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मोस्ट स्पीसीज माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज पास्ड डाउन फ्रॉम डीएनए मदर एंड फादर, फादर मदर. सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मदर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म थ्रू, किसके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है. यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास आरएनए, एंटीकोडन, डीएनए, लाइसोसोम. सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. So the right answer is RNA. Means option A is the correct answer, that is RNA. Move to the next question. Next question है हमारे पास. The enzyme involved in transcription. नीचे option दिए गए हैं, ध्यान से इनको read कीजिएगा. Then guess करो which one is the right answer. कौन सा answer हमारा यहाँ पे सही होगा, कौन सा option यहाँ पे correct है. So the right answer is RNA polymerase. Means option C is the correct answer. तो इस तरह के question को आपने ध्यान से read करना है और जरूर से revise करना है, exam में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट वन इज विच स्टेप डज नॉट अकर इन ट्रांसलेशन. यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कौन सा एक स्टेप है जो ट्रांसलेशन में यूज नहीं होता है, अकर नहीं होता है. रेप्लिकेशन, टर्मिनेशन, इलोंगेशन, इनिशिएशन. सो गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. सो द राइट आंसर इज रेप्लिकेशन. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रेप्लिकेशन. नेक्स्ट वन इज द एंटीकोडन ऑफ इनिशिएशन कोडन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किस एंटीकोडन का यूज किया जाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मैं राइट आंसर आपको यहाँ पे बता देती हूँ. इस तरह के क्वेश्चन आपने जरूर से रिवाइज करने हैं. सो द राइट आंसर इज यू ए सी. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इस क्वेश्चन को खुद से एक बार रिवाइज जरूर करना, देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. द फोर्स दैट इनिशिएट्स इवेल्युएशन इज, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं. सो गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. द फोर्स दैट इनिशिएट्स इवोल्यूशन इज वेरिएशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज द ओल्डेस्ट मिनरल डिस्कवर्ड सो फार वॉज विच डेट्स बैक टू 4.4 billion years. सो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, गेस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर. So the right answer is option B, that is Jerrycan. Option B is the correct answer. Move to the next question. On the origin of species was written by. So किसने discover करा था ये. मतलब on the origin of species was written by किसने लिखा था. So यहाँ पे option दिए गए हैं. So the right answer is Charles Darwin. Means option A is the correct answer. Move to the next question. Which of the following diseases has been eradicated? तो नीचे दी गई ऑप्शन में से आपने बताना है हमारे यहाँ से कौन सी डिजीजेज हैं जो इरेडिकेट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं. ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, गैस कीजिए विच वन इज द राइट आंसर.
सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी की सारी डिजीजेज जो हैं यहाँ हमारी कंट्री से इरेडिकेट हो चुकी हैं, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, पोलियो हो, रिंडरपेस्ट हो. सो ये सारी की सारी जो डिजीज हैं वो इरेडिकेट हो चुकी हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ओके, ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को कवर करा है. आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. सो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.